सलीम साहेब, इज्जत बाप सलीम साहेब। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो सारे दोस्तों बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर थोड़ा मशहूर हाँ कि सारे फिर तशरीफ लाए हो साड़ी कॉल के उत्ते। मैं थोड़ा जहा पहला बैकग्राउंड दसना चाहवागा कि मेरे वालिद साहब मेरे पीटीआई से लेके गए सर, तो मैं आज कोशिश की बिलाल साहब का मशवरा करके कि जो मेरे वालिद साहब फैसला करके गए सर, असं उस फैसले से पहरा देिए। असी खान साहब के फैसले को कबूल करते हुए स्पेशली मैं NX5 का उम्मीदवार सी, तो इंशाल्लाह मैं खान साहब के फैसले के मगर लग के उसामा साहब वास्ते सरदार होना। थोड़ी जी गल मैं क्लीयर करना चाहवागा इतने कि सियासत के दस्तरदारी का मतलब ये नहीं है कि कल मैं तुम्हें कल्या छड़ देंगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्त से दोबारा खड़े होवांगे, इकट्ठे खड़े होवांगे और हर खुशी गमी इकट्ठे नजर आवेंगे। जिन्हें बुजुर्ग भाई दोस्त सारे तशरीफ लाए हैं, इंशाल्लाह कोशिश करा मैं तुम्हें कितने कल्या ना छड़ा, हर लिहाज से तुहाडे नाल खड़े हैं। बल्कि मैं कोशिश करांगा जिन्हें भी वालिद साहब तलक आए सन, टोबा चंग समुंदरी सारे कोशिश करांगा कि तुम पीटीआई को वोट दियो और खान साहब को कामयाब करो और खान साहब वास्ते आसानियां पैदा करो ताकि उन्होंने जेल चो वापस लिया जाए और फिर वजीर आजम बनाया जाए। तो बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मैंने एक सिर नारा लगाना है आपकी मोहब्बत से, बिलाल असर बनाया, बिलाल साहब तुम्हारा एक इशारा लहू हमारा, बिलाल साहब आपका एक इशारा, हाजिर हाजिर, बिलाल साहब आपका एक इशारा लहू हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नबुदु व इय्याका नस्ताईन। सब तो पहला मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर कि अल्लाह ताला ने तुहाडे वर्गे बुजुर्ग दोस्त और भाई जेडे अमजद बढ़ाए साहब, अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत अल फरदौस जगह दे, उन्हां तो लैके हुण तक मेरे नाल हिसाब नाल प्यार करते ने। मैं तह दिल तो मशहूर हाँ और वादा करता इंशाल्लाह, सियासत आने जाने वाली चीज़ है कि इंशाल्लाह साढ़े दरवाजे हमेशा तुहाडे लई खुले रहणगे। असी तुहाडे नाल हर गमी खुशी च इंशाल्लाह, मैं हसाम साहब हाजर साहब इंशाल्लाह असी तुहाडे नाल शाना बिशाना खड़े रहेंगे। अज वाला फैसला जिहड़ा मैं कीता है, जारी गल है कुछ दोस्तों को पसंद होएगा कुछ दोस्तों को नहीं पसंद होएगा, मेरे लिए या हसाम साहब लिए या साड़ी फैमिली लिए, सजाद चीमा साहब भी इतने बैठे ने, पुप्पो के बेटे ने, यह फैसला बहुत मुश्किल फैसला सी, लेकिन मैं और हसाम साहब ने सोचा कि सानू खानदान नहीं, पाकिस्तान पहला है तो फिर कोई है, और असी सोचा कि असी इमरान खान साहब के नजरिए ना खड़े होइए, क्योंकि जिवें उसामा साहब ने दसिया 1.5 साल हो गया मैं हल्के च नहीं आ सकिया, FIR मेरे ते ने, गुनाह की है मेरा कि मैं इमरान खान का साथ दिता है, गुनाह की है मेरा कि जेड़ा लोकल गोजरे च उस टाइम हुक्मरान है ओदे खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ना था,
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹਸਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਸਾਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸਲ ਜਮਾਤ ਚੀਮੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਡਰ ਚ ਇਨਵਾਲਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਆਲਾ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਜਮਾਤ ਚੀਮੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਬਜਦ ਬੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਜਮਾਤ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਯੰਗਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰ ਚ ਉਸਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਐਸ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਗਾ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਚ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ।